अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर डे ऑफ माय लाइफ और गुड मॉर्निंग फ्रॉम कश्मीर। तो आज हम कश्मीर में हैं और कल की राइड गुजारी है, ऐसे तैसे करके हम पहुँचे हैं। वेडिंग में आना था यहाँ पर और जो यहाँ के कल्चर के हिसाब से यहाँ पर कैमरा यूज़ करना मना था, बट कोई नहीं, हम आज आपको वो चीज़ें दिखाएंगे जो आपने से पहले देखी होंगी, बट कोई नहीं, आज हमारे थ्रू आप देख सकते हैं यहाँ की जो मुझे जब से अच्छी लगी अभी तक। मैंने सुबह से उठाऊँ तो अभी तक देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था कि यहाँ पर लकड़ का बहुत ज़्यादा काम हुआ हुआ है और शटरिंग हुई हुई है ज़्यादा, तो पक्के घर नहीं है, तो मतलब वैसे शटर से लगे हुए हैं और लकड़ से काम हुआ, बड़ा खूबसूरत काम हुआ हुआ है घरों में। और मतलब टोटली यहाँ से जितने भी घर हैं नीचे तमाम ऐसे ही हैं, मतलब लकड़ से बने हुए हैं, ऊपर शटरिंग हुई हुई है, मतलब अलग ही एक लाइफ है इनकी। और जो एक मैंने जो दरवाज़ा देखा मुझे बड़ा खूबसूरत सा लगा, तो उसकी मैंने कॉस्ट पूछी तो वो सिर्फ जो वुड का दरवाज़ा है वो आपको 14,000 का पड़ रहा है, 40,000 का, मतलब कि 40,000 खाली दरवाज़ा और उसकी कलरिंग ऊपर जो उसका पेंट है और मतलब उसके अलावा पैसे, तो मतलब उस हिसाब से एक्सपेंसिव भी है। मतलब देखने में तो ये लग रहा लकड़ का, लेकिन तो और जिस जगह भी मैं मौजूद हूँ बिल्कुल इसके सामने, मुझे अभी बताया ना लोगों ने कि यहाँ पर सामने गोलाबारी भी हुई थी और हम लोग बिल्कुल LOC के बिल्कुल करीब हैं, बैक साइड पे मेरे इंडिया और अभी तो यहाँ कमरा है इसकी बैक साइड पे है। और बाहर बहुत तेज़ हवा चल रही थी, सोचा कि अंदर ही बैठ कमरे में यहाँ पर व्लॉग कर लूँ और थोड़ा बहुत शॉट्स हैं यहाँ पर, और सामने पार कुछ पहाड़ियों पर बर्फ़ भी है, उसके भी शॉट आपको दिखाता हूँ। और यार एक और चीज़ जो थी यहाँ पर कि ऊपर भी चौकी और नीचे भी आर्मी हमारी तैनात है यहाँ पर, तो उसकी वजह से हम लोग ड्रोन नहीं उड़ा सकते, और बहुत तमन्ना थी मेरी कि मैं ड्रोन यहाँ उड़ाऊँ। और क्योंकि गाँव बहुत खूबसूरत सा ये गाँव था और ऊपर से अगर शॉट्स आते तो बहुत ही मज़ा आ जाता देखने का भी, और इंजॉय आप भी करते मैं भी करता, बट एक इशू ये आ चुका है, अब क्या कर सकते हैं, लाजमी नहीं है, ड्रोन शॉट्स लाजमी नहीं थे क्योंकि मिस इसलिए कर रहा था क्योंकि कल मैं आते हुए नहीं लिए शॉट्स, मतलब डायरेक्टली राइड ही स्टार्ट की हुई थी मैंने, तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा भाषण हो चुका है अभी तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ शॉट्स वगैरह, खूबसूरत शॉट्स हैं छोटे छोटे गाँव के अंदर से, तो जो जो कैप्चर हो सका तो दिखाएंगे, अदरवाइज तो जो भी तक मैंने ऑब्जर्व किया कि थोड़े से ये लोग कैमरे वगैरह से बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं यहाँ के लोग, तो इलो नहीं करते तो परमिशन नहीं मिली भी यहाँ पर, तो बहरहाल देखेंगे जहाँ जहाँ मौका मिला तो वहाँ पर हम लोग अपनी खबरें अब तक पहुँचाते रहेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो छोटे छोटे घर और छोटी छोटी ज़मीनें बनी हुई हैं पहाड़ों के ऊपर, और यहाँ की लाइफ और शहर की लाइफ बहुत डिफरेंट है। और मुझे रात को इतना मुश्किल हुआ, सिग्नल्स नहीं मेरे थे और यहाँ पर सिग्नल्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है और एस कॉम ही चलती है वैसे तो अमूमन, तो यहाँ पर जब भी हैं एस कॉम का इस्तेमाल करें, एस कॉम ले के आएँ। और अभी चलते हैं अपने बाइक की तरफ, हमने बाइक बहुत ज़्यादा दूर खड़ा किया था और ये पहाड़ के ऊपर हम आए हैं, तो आज सिर्फ बातें ही होंगी, थोड़े शॉट्स होंगे दोबारा। मेरा दिल था कि यहाँ पर ड्रोन उड़ाया जाए, बट बिल्कुल हम लोग करीब हैं LOC के, और आगे समझदार हो आप लोग। आप शायद ये देख सको चोटी पे जहाँ पर बर्फ़ पड़ी है, इसको मैं ज़ूम करता हूँ, और सुनने में आया कि ये सैफ़ुल मुल्क की जो बैक साइड की पहाड़ी है, मतलब जिसको आंसू लेक वगैरह कहते हैं, जो उस साइड की, ये इन लोगों का कहना है कि ये वो पहाड़ी का बैक साइड लग रहा है। और तो ये लोगों का कहना है कि ये बैक साइड पर जो पहाड़ी थी बर्फ वाली अभी आपने जो देखी, ये सैफ़ुल मुल्क और मतलब नारायण कागान की चोटियों में से लगती है ये पहाड़ी। और
हमने भी यकीन किया है भाई, उन्होंने कहा है वो यहाँ के रहने वाले हैं, हमने कहा कि हम जा सकते हैं यहाँ तक, तो कहते हैं कि अगर आप गए तो 2-3 दिनों में पहुँचोगे यहाँ से, ट्रैकिंग है मतलब रोड नहीं है वहाँ पर जाने की, सिंपल। बाकी रोड पे आ चुका, रोड भी इतनी बड़ी है कि समझ जाओ। तो ये हमारे बाइक को फुल प्रोटोकॉल ठंड से बचाने के लिए ऊपर तरपाल डाल के और रस्सियों से बांध बांध दिया गया है, ताकि रात को बारिश वगैरह हो तो सेव रहे, और वैसे भी सेव रहे, तो अच्छी अच्छी बात है। ये हमारे आने से पहले का हुआ है, खुद ही हुआ है, हमने नहीं किया ये। चलो इतनी तो प्रोटोकॉल मिल रहा है, और बस थोड़ा सा सीन एंजॉय करते हैं, और हाँ धूप रोड नालते तो नहीं, तो कल से ठंड में घूम जा रहे थे, धूप तो मिली नहीं, लेकिन अभी धूप मिल गई है, क्या बात। सो ये आपने देखे भी टाइम लैप यहाँ के, और खूबसूरत सा पहाड़ और बर्फ़ से फुल, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, मैंने सोचा कि मैं इसका टाइम लैप ले लिया जाए, और होप करता हूँ आपको भी पसंद आए होंगे। और कॉल आ रही है, वो कह रहे हैं भाई आप वेडिंग अटेंड करने हैं या किधर गायब हो गए, तो चलते हैं उनको थोड़ा सा टाइम देते हैं, और उसके बाद सफ़र दोबारा। सो होपफुली आपको अभी ये ड्रोन के शॉट मज़े के लगे होंगे, ये बस परमिशन के बिना ही हमने उड़ा दिया, और करीब ही और वापसी का टाइम आ चुका है हमारे, और आज का दिन दोबारा यहाँ से निकलने का, 2 बज चुके हैं और 2 बजे हम लोग यहाँ से अभी निकलने लगे हैं। और इस जगह की लोकेशन का तो मैंने अभी तक बताया नहीं, मुझे याद भी नहीं था, इस जगह का नाम है जीन, ये गाँव है एक नसेरी से आगे करके आता है, जो कि 8 मकाम के करीब है। तो बैक साइड पे वही व्यूज़ हैं, पहाड़ियाँ, और नीचे बाइक अभी गर्म हो रहा है, और बस बाइक को थोड़ा सा स्टार्ट करके रनिंग करके रोड पे मिलते हैं। और हाँ एक और चीज़ आपने वो देखी नहीं होगी, रात को जब हम आए थे इस पहाड़ का व्यू तो देखे नहीं, कितनी ख़तरनाक रोड और बिल्कुल तंग रोड से, मतलब मज़े का रोड है, एडवेंचर करने वाला, और देखो इन्जॉय करो।
लोग निकले थे अपनी राइड पे और ऐसी राइड स्टार्ट की कि उसके बाद ब्रेक लगाने का बिल्कुल ही मन नहीं किया। और मुजफ़राबाद से उसके बाद कोला तक आपको पता है ऐसी रोड मिल जाती है कि ठीक है, जिस पे आप लोग राइड करो और आपको मज़ा आएगा। और अभी तक जो मैंने राइड की और ऐसे टका के राइड की है ना वहाँ से यहाँ तक की, कि क्या बताएं आपको कि टापो टाप और मक्खन रोड मिली है। मक्खन रोड समझते हैं ना, तो ऐसी रोड पर कौन ऐसा बंदा होगा जो बाइक नहीं पकाएगा। तो मैंने फुल धमाल वाली राइड की यहाँ तक पहुँचने वाली। और ऐसे ब्रिज की वैसे ही मुझे स्टार्टिंग से शौक था इसके ऊपर पिक्चर्स बनाने का और बाइक चलाने का एक दफ़ा, लेकिन वो स्कर्दू में है तो जाएंगे इंशाल्लाह। और बट कोई नहीं, अभी पिक्चर्स वगैरह बनाते हैं और उसके बाद अपना दोबारा सफ़र स्टार्ट करते हैं मरीज की तरफ। तो मिलते हैं सफ़र में। फाइनली घर आ चुके हैं और इस टाइम पे टाइम हो रहा है 8:10 और 2 चले थे और 8:10 पे हम लोग घर पहुंच चुके हैं। और काफ़ी मज़े की राइड रही, ठंड रही और कुछ डस्ट रही और बस ऐसे ही चलता रहा। और राइड तो मज़ा बहुत आया काफ़ी टाइम बाद की। लेकिन हमारे ट्रैवलर में ना एक छोटा सा मसला ऐसा है कि हम लोग जब किसी नई जगह जाते हैं तो हमारा दिल करता है कि हम लोग बस ट्रैवल करते जाएं, जितना मर्ज़ी लंबा हो कोई चक्कर नहीं, मतलब करना चाहते हैं जितना मर्ज़ी ट्रैवल हो। बट जब वापसी की बारी आती है तो बस पता नहीं क्या हो जाता, मतलब दिल ही नहीं करता वापस आने का। और अगर आ रहे हैं तो फिर वो एक्साइटमेंट नहीं रहती वीडियो बनाने की, और मतलब के दिल नहीं जा रहा होता मतलब वापस आने का, जो मतलब सारे नाटक के पीछे जो सीन होता है। तो बट कोई नहीं, राइड बड़ी अच्छी रही और बड़े अच्छे तरीके से आ भी गए, सेफली पहुंच गए घर। और बाइक ज़बरदस्त 150 जेस 150 पहले से मेरा ये बेस्ट बाइक रहा राइडिंग के लिए और हमेशा रहेगा, क्योंकि इस बाइक में मैंने बहुत ट्रैवल कर लिया। और आज का दोबारा ट्रैवल करना वहाँ पर, ऑफ रोडिंग भी मैंने की और जिस जगह से भी मैं आ रहा हूँ काफ़ी दूर थी और काफ़ी स्पीड में रहा बाइक और काफ़ी अच्छा इसने रिस्पांस किया फ्यूल में भी। और बस बाकी सब अच्छा है। अपने यहाँ तक अगर वीडियो देखे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को अगर पहले से नहीं किया हो, इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं। और बाकी सब्सक्राइब लाजमी करिएगा और मिलते अपनी नई वीडियो के साथ। तब तक के अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। Bring it home slowly, hand your boy the trophy, patience is holy moly, I got him hating on me like Michael hates Toby.